नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे गोरखनाथ 509 धान के बारे में। धान की खेती की शुरुआत नर्सरी से होती है, इसलिए बीजों का अच्छा होना जरूरी है। कई बार किसान भाई महंगा बीज खाद तो लगाते हैं लेकिन सही उपज नहीं मिल पाता, इसलिए बुआई से पहले बीज व खेत का उपचार कर लेना चाहिए। बीज महंगा होना जरूरी नहीं है बल्कि विश्वसनीय और आपके क्षेत्र के जलवायु और मिट्टी के मुकाबले होना चाहिए। गोरखनाथ 509 जो एक चैंपियन धान है जिसे हाइब्रिड साभा के नाम से जानते हैं, स्वादिष्ट चावल और अधिक पैदावार के कारण किसान इस किस्म को लगाने के लिए काफ़ी उत्साहित रहते हैं। गोरखनाथ 509 धान के बारे में इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। किसान भाइयों, गोरखनाथ 509 नाथ सीड्स कंपनी का है, बहुत ही अच्छी कंपनी का बीज है। ये महीन धान है जो 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाता है। इसकी पौधे की ऊंचाई 100 से 105 सेंटीमीटर तक होती है। पौधा मध्यम ऊंचाई एवं तने का मजबूत होने के कारण होने पर भी फसल गिरने जैसा कोई संभावना नहीं होती है, बल्कि आसानी से फसल सीधी खड़ी रहती है। गोरखनाथ 509 रोग कीट और सूखा के प्रति सहनशील है। इसके पौधे से अधिक कल्ली का फुटाव होता है। संख्या की बात करें तो 20 से 25 कल्ले मिल जाते हैं। अधिक कल्ले फुटाव होने के कारण इसकी हर पौधे में से अधिक बाली मिलती हैं। इसकी बाली लंबी एवं गुच्छेदार होती हैं। बाली में दाना भी नीचे से ऊपर तक अच्छी तरह से भरे रहते हैं। इसके हर बाली से 450 से लेकर 500 तक दाने मिलते हैं, जो बहुत अधिक संख्या है। दाना छोटा और वजनदार होता है। इसकी तुलना हम देसी किस्मों में से सबसे प्रसिद्ध धान है। इसकी पैदावार के बारे में बात करें तो 28 से 30 कुंटल प्रति एकड़ पैदावार देने में सक्षम है, जो एक बहुत अच्छा उपज है। एक एकड़ में रोपाई बीज के लिए 5 से 6 किलो बीज प्रति एकड़ के लिए काफ़ी होता है। बस किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में कुछ नया लेके उपस्थित होंगे। अगर जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कृषि से संबंधित वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलते रहेंगे।